नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं भी प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ढेर सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट है कि क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि पेपर लीक का जो इशू है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुआ और ढेर सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी आपकी जो बात है उसको उठाया और कहीं ना कहीं CSIR तक भी आपकी बातें पहुंची हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या री एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी जो एस्पिरेंट हैं उनको मेरी एडवाइस है कि देखिए, पेपर आपका जो है वो लीक होने की वजह से री एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों केसेस आपके हो सकते हैं। हो सकता है कि CSIR जो है जहाँ जहाँ पे चीटिंग हुई है उन सेंटर्स को जो है हो सकता है कि वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम कराए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई हैं वहाँ का जो रिज़ल्ट है, अगर उन्हें लगेगा जो भी गड़बड़ियाँ हैं उनको सॉर्ट आउट करके फिर वो जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर करें। मतलब कहीं ना कहीं रिज़ल्ट इस तरीके से आपका आएगा ताकि स्टूडेंट को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। बाकी आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं CSIR के बाहर, मतलब जो भी उनका ऑफिस है उसके बाहर जाके स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, एग्ज़ाम दोबारा भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट आ जाए और आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो देना पड़ जाए। तो आप सभी को मेरी फ्री एक एडवाइस है, देखो ये जो मुहिम है जो आपकी री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, पेपर लीक के रिगार्डिंग बच्चे उठा रहे हैं, इसमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो प्रिपरेशन है डिस्क्रिप्टिव की वो करते रहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आपका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर बाई चांस आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं और फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो फिर दिक्कत आपको आ सकती है। तो आप सभी को मेरी एडवाइस है कि डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ आप करते रहें। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया। अगर आप IBACIO या CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है यहाँ पे वो कॉपी चेकिंग पे है। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की जो कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली आप जो टॉपिक आपको मिला उसमें आपके अंदर बेटरमेंट आएगा कि क्या आपने गलतियाँ की, टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हैं और आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा जितना भी कंटेंट आपको मिलना चाहिए वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, जैसे वीडियो लेक्चर, उसके अलावा 100+ सेलेक्टेड एसे, प्रिसाइज, उसके अलावा लेटर, उसके अलावा आरटी की कॉपी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसकी फ़ीस केवल 349 रुपीज़ है। बाकी 10 मार्च के बाद इसकी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको मेरी एक फ्री एडवाइस है कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी यहाँ पर क्या है कि चूँकि आपको पता होगा कि आपका जो पेपर लीक का इशू है, लगभग जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टीचर हैं, हम टीचर जो कम्युनिटी है उन सभी ने इस इशू को उठाया। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने भी आपके इशू को उठाया। उसके अलावा जो मीडिया हाउसेस हैं जैसे लल्लन टॉप वगैरह हैं, इन्होंने भी आपके इशू को उठाया। तो ये तो कंफर्म है कि जो भी न्यूज़ है पेपर लीक के रिगार्डिंग वो CSIR तक पहुंच चुकी है और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि रिज़ल्ट भी जो है वो आपका डिले हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है, और जितने भी एविडेंसेस जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं वो सारे उनके पास पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है कि वो जहां जहां पे चीज़ें ये ऐसी हुई हैं वहाँ पे कुछ रिफॉर्म करके फिर रिज़ल्ट को डिक्लेयर करें, और अगर ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हुई हैं तो री एग्ज़ाम भी हो सकता है। देखो दोनों कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। बाकी आप सभी एस्पिरेंट को मेरी एक एडवाइस है कि आप प्रिपरेशन भी करते रहो और साथ साथ इस मुहिम में भी आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लो ताकि किसी भी कंडीशंस के लिए आप प्रिपेयर हो और आपको किसी भी कंडीशन में नुकसान ना हो, किसी भी कंडीशन में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिन भी एस्पिरेंट का 220 या उससे ऊपर स्कोर बनना है उनको डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और यहाँ पे मेन जो आपका डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन में, आप कंटेंट कहीं से भी पढ़ लो, कितना भी महंगा कोर्स परचेज कर लो, जब तक आप राइटिंग स्किल पे काम नहीं करोगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। और हमारा मेन जो फोकस है वो राइटिंग स्किल पे। ठीक है, तो
री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मैंने आपको चीज़ें बता दी कि पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों हैं, आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी के लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है, चूँकि यहाँ पर ये राइटिंग स्किल आपकी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको दो ऐसे लिखने हैं, उसके अलावा लेटर लिखना है, प्रसाइज लिखना है, तो बहुत कुछ लिखना है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है ऑनलाइन वो सिर्फ बैंकिंग में होता है, अगर मैं सही हूँ तो बैंकिंग में होता है, बाकी कहीं पे भी जो डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन ही होता है। तो ये 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा, पेपर एंड पेन मोड पे होगा, आपको बाकायदा कॉपी मिलेगी और उसको आपको उस पर लिखना होगा। तो ये आप इस चीज़ से निश्चिंत रहो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, ऐसा नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड पे होगा, ठीक है। जितने भी डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके ऑफलाइन ही होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है। अगर आपको मान लेते हैं ऑनलाइन होता है तो आपको टाइप करना होगा, इतने टाइम में आप टाइप नहीं कर पाओगे, दो दो ऐसे लिखना, प्रिसाइज लिखना, लेटर लिखना, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर कंडीशन है कि ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन ही होगा, पेन एंड पेपर मोड पे होगा। और आप सभी को मेरी एडवाइस है कि आप लिखने पे ज़्यादा फोकस करो, जब आप लिखोगे तभी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। देखो आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी विचार आपके अंदर हैं, जब आप पढ़ोगे तो उससे आपके दिमाग में विचार तो आएंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट आप तभी कर पाओगे जब उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो अभी से लिखने पे फोकस करो, जितना आप लिखोगे उतना बेहतर आपके नंबर मिलेंगे। आप जैसे मान लेते हैं आपने 100 जो टॉपिक हैं ऐसे के वो प्रिपेयर किए, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप चाहे किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो। तो अगर लिखने की स्किल होगी तो मान लेते हैं जो आपने पढ़ा वो नहीं आता है, कुछ दूसरा टॉपिक आ जाता है, तभी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप जोड़ के उसे लिख सकते हो और बेहतर लिखोगे और वहाँ पे आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 150 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहो। हो सकता है, मैं तो यही, जितनी भी टीचर कम्युनिटी है वो यही चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए, बाकी हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, ये बात आपको ही पता है। तो आप दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहो कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन जो है वो करते रहो। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, इसकी फीस बहुत कम है, इतनी कम है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। बाकी 10 मार्च के बाद इसकी जो फीस है वो बढ़ने वाली है, तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।